हाय गाइस, सो इट इज़ सैटरडे राइट नाउ। फ्राइडे को कल मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफिस चल रहा था एंड एज सच मैंने पूरे दिन में कुछ नहीं किया। एंड सैटरडे को भी अभी मैं 12 बजे ब्लॉग चालू कर रही हूँ बिकॉज सुबह सुबह से ना अच्छा नहीं हुआ। लाइक मेरे पापा का फ़ोन चोरी हो गया, दो चोर चुरा के उनका फ़ोन ले गए, देन हमें FIR करानी पड़ी, सारा डेटा उनका कैसे तो भी करके हमने बंद करवाया, देन नया फ़ोन खरीदना पड़ा, सिम की प्रोसेस करने पड़े, काफ़ी सब करा सुबह से, ढंग से मैं प्रॉपर्ली सो भी नहीं पाई, बहुत हेक्टिक हो गया था सब। बट मूविंग फॉरवर्ड, सो अभी मेरे भैया भाभी सब लोग आ रहे हैं तो उनके लिए मैं ना लज़ानिया बनाने जा रही हूँ। तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने लज़ानिया कभी ना कभी अपनी लाइफ में खाया ही होगा, काफ़ी सारे लोगों की फेवरेट डिश भी होती है लज़ानिया। एंड अगर आपने अभी तक कभी लज़ानिया ट्राई नहीं किया है तो आप मेरी रेसिपी से ज़रूर घर पर बनाना बिकॉज मैं उसको बिना किसी ओवन या माइक्रोवेव के बनाने वाली हूँ, मैं उसको पैन में बनाऊंगी। इट विल बी वेरी लज़ानिया की रेसिपी ऊपर आई बटन में मेंशन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है लज़ानिया की, अभी इसको असेंबल करने का टाइम है। इट्स अ फुल हाउस गाइस। पनीर की ग्रेवी थोड़ी अच्छी है। मतलब मेरी करंट कंडीशन में भी मैं खा रहा हूँ, मतलब मैंने सफल हो गया। खा ले सारे वेजी प्याज है, मैदा चीज और चीज, हां और चीज, ये पूरी तो ये सब है, सब कुछ है। वो इतना सीते कि एक बार खा लेते फिर बोलते हैं। Hi guys, so it's the next day. आज संडे है और आज हम लोग फाइनली भैया भाभी और सबके साथ राखी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं एंड उसके बाद भी हम बाहर जाने वाले हैं। मैं आपको सब जगह अपने साथ लेके चलूंगी, सो डू स्टे ट्यून। पहली बार साथ में राखी साथ में मना रहे, भाई कंजूस था अभी पहले। अब इस बार भैया की जेब ढीली है। मोटे को मोटा ना दे। थैंक यू सिस्टर। ये रक्षाबंधन का गिफ्ट सिस्टर के लिए, छोटा सा बैग, प्यारा सा बैग, सुंदर है। और थैंक यू इसके लिए भी। ये एक्चुअल में बैग है? हाँ हाँ, सिर्फ बैग है। ये अच्छा, इतनी वाइड स्माइल कभी नहीं आई। एक हाथ लेंगे, एक हाथ लेंगे, ठीक है? ले ले, वो पहले दे दे। पहले वो? नहीं 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 नहीं। पहले। One bag part two. Bag two. One hour later. हाय गाइस, तो अभी हम सब लोग आए लॉ गार्डन में थोड़ी सी गुजराती शॉपिंग करने, ट्रेडिशनल चीजें लेनी है भाभी को। देख पागल है कितना फैशन में और इतना अच्छा लगता है पहन के, येलो चुन्नी उसके ऊपर। तो इसके ऊपर आप हमको ग्रीन रेड दुपट्टा पटोला वाला नहीं, ग्रीन रेड नहीं, आपके पास ग्रीन रेड, ग्रीन रेड भी है वो दिखाओ मुझे। येलो नहीं चाहिए, अलग से तिरंगा नहीं बनाना, येलो नहीं नहीं, रेड हाँ, ये येलो तीन कलर वाला ही ज्यादा अच्छा लगेगा। ये वाला येलो पे रेड क्या लगाओगे, ग्रीन लगाओगे ब्लाउज? हाँ वो तो कुछ भी बना लो इस पे, तो यही रेड ब्लाउज लगा के ग्रीन चुन्नी कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। गाइज ये KDU होता है, अरे रे हवा चल रही है तो पूरा दिख रहा है आपको आगे पीछे से, कि गुजराती ड्रेस मेंस की ये होती है KDU, जैसे गर्ल्स की होती है ना चनिया चोली, वैसे बॉयज वेयर दिस इन नवरात्रि। ये क्या है? कैप है, कैप है, दिखाओ ना। ये साथे वाली आई है। अच्छा सुंदर है, कितने की है? 150 की है, सही में गाइस कितनी सही लग रही है ना, प्यारी प्यारी सी।
टू प्रिटी, बट ये बॉयज की है मेरे को। गाइज ये मेरे लिए हेवन है, ज्वेलरी हेवन। यहाँ से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लूँगी, स्टार्टिंग विद दीज कड़ाज, दे लुक सुपर्ब। दीज कड़ाज आर लुकिंग अमेजिंग। ये तो मैं ले ही रही हूँ, उसके साथ में इयररिंग्स भी लेती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, देखो आपको दिख रहा है ना पूरा मैप में भी, पूरा वो रिवर है ब्लू कलर वाली, इतनी बड़ी है वो, बड़ी रिवर है ना। हाँ साबरमती है मम्मी, साबरमती, साबरमती रिवर फ्रंट है ना। मौसी को एमपी की याद आ गई ना। 3 hours later. Hi guys, आज हम लोग अभी अक्षरधाम से जाके तो आ गए, पर वहाँ पे भी फोन अलाउड नहीं था, तो एज यूजुअल मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाए, तो पर हमने एक फोटो खींची है। हाँ एकदम, और जोर जोर से हॉर्न बजा, और जोर जोर से। तो हम लोगों ने फोटो खिंचवाई है, बहुत सुंदर है वो, आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड वहाँ पे आप जा सकते हो अच्छी जगह है विजिट करने के लिए। हम थोड़े बहुत राइड्स में भी गए थे जो कि वहाँ पे थे, मतलब मॉडरेट लेवल की राइड्स थी वहाँ पे, तो अच्छा था, मज़ा आया। एंड खाना बहुत अच्छा था, एंड आइसक्रीम्स भी अच्छी थी, बस इतना किया। और बस अभी हम वापस जा रहे हैं, बस ब्लॉग नहीं ले लेटर दैट सेम इवनिंग। आफ्टर अक्षरधाम वी हैव कम टू अर्बन चौक कुछ कुछ नया चीज़ें ट्राई करवाने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी एक बोबा ड्रिंक। आप लोगों में से कितने लोगों ने बोबा ड्रिंक कभी ट्राई करी है, लाइक बोबा मॉकटेल कभी ट्राई करा है, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। भैया अभी सबसे पहली बार बोबा ट्राई कर रहे हैं, काफी यूनिक है, अच्छा है। आपको वो आया बॉल बोबा वाला आया ना, अच्छा है ना। तो गाइस ये जो आपको बॉल्स दिख रही हैं छोटी छोटी सी, ये बोबा है। एंड इफ आई कैन जस्ट पिक वन एंड शो यू, ये अपने आप में ब्रेक होती है, ये अपने आप में ब्रेक होती है, इसमें फ्लेवर होता है डूड कुछ मस्त सा था। तो दिस इज वेरी यमी, इसमें अंदर से मैंगो अपना पूरा फ्लेवर है। तब वी हैव दिस घुघरा सैंडविच, ये भी अहमदाबाद की स्पेशलिटी है, यहीं पे मिलता है मानिक चौक में, लेकिन आपको यहाँ पे जसुबेन शाह ओल्ड पिज्जा एंड सैंडविच मिल जाएगा इन अर्बन चौक। सो मच लेटर दैट द ओल्ड नरेटर गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग एंड दे हैड टू हायर ए न्यू वन। गाइज ये हमारा जेन्युइन रिकमेंडेशन है, अगर आपके टाउन में हैवमोर हो तो जरूर ताजमहल ट्राई करना, एवरीवन्स बीन लविंग इट। कुणाल भैया मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा कि एक बार आइसक्रीम जरूर खाएं। The next day. So guys, अब टाइम आ चुका है सबको बाय बोलने का। रियलिटी है, मेकअप हटा के इसकी शक्ल है। अच्छा ओके भाई, मतलब भाई होते हैं। बाय भैया, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। हाँ एकदम, बहुत जल्दी। बाय चापले, अब मिलेंगे तो विदेश से कॉल करेंगे। ठीक है, बाय भाभी, सी यू, बाय बाय।